वीडियो पसंद आने पे लाइक कीजिए और इस रेड वाले बटन पे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इस बेल वाले आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनोज और सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत। तो दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के कि सर आप कौन सा ट्राइपॉड यूज़ करते हो, आप कौन सा माइक यूज़ करते हो, आप कौन सा एडिटर यूज़ करते हो वीडियो को एडिट करने के लिए एंड थंबनेल बनाने के लिए क्या यूज करते हो। ये सारा क्वेश्चन पे क्वेश्चन बहुत सारे आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को सारा कुछ मैं अपना बता दूँ कि मैं क्या क्या सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ अपने वीडियो को एडिट करने के लिए, थंबनेल बनाने के लिए एंड मेरा ट्राइपॉड का क्या प्राइस है, कौन सा माइक है। ये सारा कुछ मैं डिटेल इस वीडियो पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको भी हेल्प मिल जाएगी कि मैं क्या क्या यूज करता हूँ। और मैं बता दूँ, जितने भी सामान मैं यूज करता हूँ, जितने भी प्रोडक्ट, वो बहुत ही ज़्यादा सस्ते हैं एक तरह से। और फ्रेंड, सबसे पहले एक बात बता दूँ आप लोगों को, और एक रिक्वेस्ट आ रहा है कि सर आपका बेल इंट्रो बताइए कि किस तरह से बनाया मैंने, जो घंटा वाला जो आइकन दब रहा है शुरू में, स्टार्टिंग में इंट्रो। तो फ्रेंड्स, वो जो इंट्रो है वो मैंने नहीं बनाया है, ठीक है, वो मेरे एक सब्सक्राइबर्स ने बना के दिया था जब मेरा 50,000 सब्सक्राइबर्स हुआ था उस टाइम। तो दोस्तों, उससे मैंने कांटेक्ट किया कल, उनसे मैंने कहा कि आप एक ट्यूटोरियल बना के उसका दीजिए कि आपने किस तरह से बनाया है, वो मुझे भी नहीं पता। तो मैंने उससे कहा है कि आप एक वीडियो ट्यूटोरियल मुझे बना कर दे दीजिए ताकि मैं अपने चैनल पे जो है उसको अपलोड करके मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को बता सकूं कि वो कैसे बना सकता है। तो जल्द ही आपको जो है एक ट्यूटोरियल वीडियो मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं कि मैं क्या क्या यूज़ करता हूं अपने वीडियो को एडिट करने के लिए, यही सब के लिए। फ्रेंड्स, मैं जो है वीडियो को शूट करने के लिए यूज़ करता हूँ रेडमी के नोट 5 प्रो। तो ये आप देख सकते हो, ये फ़ोन मैंने हाल फिलहाल में ही परचेस किया हुआ था। इसका फ्रंट कैमरा जो है 20 मेगापिक्सल का है, जिसके कारण से मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का बन जाता है और मैं फ्रंट कैमरा से ही वीडियो शूट करता हूँ, ठीक है। और ये है Redmi का Note 5 Pro, जो कि एक ब्लू कलर का फोन है, इससे मैं अपने वीडियोज को शूट करता हूँ। तो सबसे पहला मैं वीडियो एडिटिंग ऐप में क्या यूज करता हूँ, तो फ्रेंड्स, मैं वीडियो एडिट करने के लिए ऐप को जो यूज करता हूँ उसका नाम है पावर डायरेक्टर बंडल वर्जन। वो आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर पे, पावर डायरेक्टर बंडल वर्जन। तो उसमें जो है मैंने उसको परचेस किया हुआ है, उसका लाइसेंस। अगर आपको फ्री में यूज़ करना है तो आपको वाटरमार्क आ जाता है। तो दोस्तों, वाटरमार्क को कैसे हटाते हैं इसका भी ट्रिक है, तो वो आप वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, अब थंबनेल बनाने के लिए मैं क्या यूज़ करता हूँ, तो थंबनेल बनाने के लिए मैं यूज़ करता हूँ पिक्सल लेब। ये एक एप्लीकेशन है जो पावर डायरेक्ट पे, इस पे प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। इन दोनों ऐप का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन पे, आप सिंपली से इसको डाउनलोड कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, अब मैं बता दूँ कौन सा ट्राइपॉड है, कौन सा माइक है। तो फ्रेंड्स, मेरा जो है ट्राइपॉड वो है 760 रुपया, ऐसे कुछ है, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। और ये ट्राइपॉड आपको जो है मिल जाएगा amazon.com से, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हो। और ये जो है चीप प्राइस का ही ट्राइपॉड है, इसका मैंने जो है एक वीडियो ट्यूटोरियल भी अपने चैनल पे बना के रखा हुआ है, आप इसका देख सकते हो, पूरा अनबॉक्सिंग रिव्यू किया हुआ है, उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अब मैं बता दूं मैं अपना कौन सा माइक यूज़ करता हूं। तो माइक यूज़ करता हूं ये है फ्रेंड्स मेरा बोया का M1, बोया M1 माइक है, जो कि सारे यूट्यूबर्स यूज करते हैं यही माइक। टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल दोस्त, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, छोटे छोटे यूट्यूबर्स हैं, सारे इसी माइक की यूज़ करते हैं। इस माइक का क्वालिटी ये है कि आप देख सकते हो वॉइस कितना क्लियरिटी आता है इसमें। और इसका प्राइस जो है, मैंने जब लिया था इसका प्राइस था 1290 रुपया। अब आप लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, वहाँ से आप क्लिक करके देख लीजिए, शायद कुछ प्राइस घटा हुआ है अभी 1199 रुपया ऐसे कुछ है। बट दोस्तों, ये 1200 का माइक है, लेकिन गजब का माइक है, आप इसको परचेस कर सकते हो। इसका माइक क्वालिटी जो है, वॉइस क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब फ्रेंड्स, इसका आप देख सकते हो, इसका वायर में उठा कर दिखा देता हूँ। ये वायर जो है इसका बहुत ही ज़्यादा लंबा है, कम से कम 10 से 12 फुट का वायर है। अगर आपका कॉमेडी चैनल है उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। और इस तरह के यहाँ से आपको एक बैटरी लगाने का मिलता है इस माइक पे। तो ये बैटरी जो है, जब आप DSLR से शूट करते हो तो बैटरी को लगाना पड़ता है, या फिर आप सिंपली से जब यूज करते हो इस पे स्मार्टफोन पे, तो आपको बैटरी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह का कुछ माइक है, इसका बहुत ही ज़्यादा लंबा है, तो इसको मैंने मोड़ कर जो है नीचे रख देता हूँ अपने सीढ़ी पे। तो दोस्तों, इस तरह का ये माइक है ट्राइपॉड। एंड फ्रेंड्स, मैं जो है लाइट सेटअप ये सब का कुछ भी यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे पता है कि मैं यहाँ पे एक सीढ़ी के कोने पे बैठ के वीडियो बनाता हूँ, जिसके बाहर तरफ जो है दरवाज़ा खुला हुआ है, जिससे कि लाइट मेरे फेस पे आ रहा है। तो लाइट मुझे लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है, और मैं ज़्यादातर वीडियो दिन को ही शूट कर लेता हूँ, ताकि मुझे रात को जो है टेंशन ना हो। रात को करने के लिए इस तरह का सेटअप अभी नहीं है, बट जल्द ही मैं सेटअप बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और वीडियो क्वालिटी भी मैं सुधारूंगा। जो आप लोग बार बार कर रहे हो, ये ब्लू सा दिख रहा है, तो इसको मैं जल्द ही जो है चेंज करूंगा। पहले एक ना अपना एक रूम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जल्दी से जल्दी सेटअप बनाकर मैं वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए सुधार सकूँ। तो दोस्तों, ये था कुछ सामान जो कि मैं यूज़ करता हूँ, सिर्फ एक ट्राइपॉड है और एक माइक है बस।
और बाकी यहाँ से एक टेबल लगा कर बैठा हुआ हूँ, और वो एप्लीकेशन जो है वीडियो एडिटिंग का पावर डायरेक्टर और थंबनेल बनाने के लिए पिक्सल लैब। तो दोस्तों ये सारा कुछ जो है मैं यूज़ करता हूँ अपने वीडियोज को बनाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। अगर आप लोग को ये सारा प्रोडक्ट अगर कुछ भी परचेस करना हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।